आज गणेश चतुर्थी और मुहर्रम के पावन पर्व अवसर को लेकर पुलिस ने अभी से तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। गुरुवार की शाम गलशी थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार शर्मा ने अपने थाना क्षेत्र के गणमान्य लोगों और ताजेदारों तथा व्यापारियों के साथ शांति समिति की बैठक का एक आयोजन किया। बैठक में पुलिस ने सभी ताजेदारियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया। इसके अलावा पुलिस ने गणेश चतुर्थी का आयोजन करने वाले लोगों से उनकी समस्याएं पूछी और साथ ही पुलिस ने सभी लोगों से दोनों त्योहारों को सफल संपन्न कराने के लिए सहयोग की अपील भी की। कल शहीद के सौजन्य से शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसका मुख्य विषय था कि आगामी समय में मुहर्रम और गणेश चतुर्थी के त्योहारों को शांतिपूर्ण सद्भावनापूर्ण माहौल में मनाया जा सके। आज सभी ताजेदार यहाँ उपस्थित थे और सभी ताजेदारों से उनकी समस्याएं पूछी गई। मुख्य समस्याएं उन्होंने बताई कि कहीं जो है नाली टूटी हुई है, कहीं सड़क की हालत ठीक नहीं है, या बिजली के तारों की समस्या है, या अभी चीनी और मिट्टी के तेल के कोटे की उन्होंने बात कही है कि उसको थोड़ा बढ़ाया जाए। तो हम लोगों ने इनकी समस्याओं को नोट कर लिया है और उच्च अधिकारियों के समक्ष रखकर इन सारी समस्याओं को रखते हुए इन सारी समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। और हम लोग आश्वस्त करते हैं पुलिस प्रशासन के जिस प्रकार से विगत में सभी त्यौहार जन सहयोग से शांतिपूर्ण तरीके से मनाए गए, आगामी त्यौहार सारे रूटों का भ्रमण चौकी इंचार्ज के साथ मैं कर लूँगा। जहाँ जहाँ जो चीज़ आप लोगों ने बताई है वो एक एक चीज़ मैंने डायरी में नोट कर ली है। इसके अलावा भी अगर मुझे कोई समस्या नज़र से आप लोगों से वार्ता करके और उसका समाधान करने का प्रयास करूँगा तो मैं अपेक्षा करूँगा जो नहीं बता पाए हैं ताजिए से लेके या गणेश चतुर्थी से लेके, तो आप लोग मुझे थाने पर आके भी अवगत करूँगा और मेरे स्तर से ऊपर की बात होगी तो मैं ऊपर बात करके कराऊँगा। उसी लिए जाना जाए किसी प्रकार की कोई शांति व्यवस्था संबंधी दिक्कत ना हो, और ये तभी संभव है जब आप लोगों का त्यौहार भी करेंगे तो ईश्वर चाहेगा तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उसमें प्रभु के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो ताजिए मेरे गलसाई क्षेत्र में बनेंगे।